हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जॉन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी, टू पार्ट दोस्तों हमने अंबाला और हिसार से जुड़े हुए अपलोड कर दिए हैं। आज दोस्तों थ्री पार्ट हम कुरुक्षेत्र का लेके आए हैं। जैसे कि आपने कमेंट्स में कुरुक्षेत्र की रिक्वायरमेंट जो है वो बताई थी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें वीडियो स्टार्ट होने से पहले। और दोस्तों अंबाला डिस्ट्रिक्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। और कुरुक्षेत्र की भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुरुक्षेत्र का पीडीएफ भी लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र को बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ने की हमें जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में उठते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की स्थापना की। तो कुरुक्षेत्र की स्थापना दोस्तों जैसे कि सभी को पता है 23 जनवरी 1973 को जो है कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई थी। और ये एकमात्र जिला ही ऐसा था, मतलब जो सबसे अलग बना था दोस्तों, अलग डेट में बना था। वैसे तो और भी जिले हैं अलग डेट में बने हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा जिला है जिसके साथ और कोई जिला जो है नहीं बना था। क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 1530 वर्ग किलोमीटर है। और उपमंडल की बात करें दोस्तों, क्योंकि उपमंडल से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। उपमंडल दोस्तों इसका थानेसर, पेहुआ और शाहबाद। और शाहबाद दोस्तों यहाँ चीनी मिल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और थानेसर का विस्तार दोस्तों हर्षवर्धन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे दोस्तों तहसील की बात करें तो थानेसर, पेहुआ और शाहबाद सेम की सेम तहसील और उपमंडल और तहसील इसकी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा इसके नामकरण के बारे में, कि नामकरण के अंदर इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के अगर नामकरण की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ स्थित विशाल तालाब का निर्माण महाकाव्य महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु, एक दोस्तों यहां राजा कुरु थे प्राचीन काल में, उन्होंने उनके नाम पर ही दोस्तों कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, कुरु वहां से लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम कुरु कहां से लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा थे कुरु। ठीक है दोस्तों, कौन थे? कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा थे कुरु, उनके नाम पे दोस्तों ये कुरु जो शब्द लिया गया है, दो शब्द जो स्टार्टिंग के उठाए गए हैं वो दोस्तों राजा कुरु के नाम से उठाए गए हैं। तो ये हमें दोस्तों बारीकी सी नॉलेज इसके बारे में पता होनी चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों कुरुक्षेत्र इतिहास के बारे में हम देख लेते हैं कि कुरुक्षेत्र के इतिहास के अंदर देखें मेनली डिटेल से, अगर यह क्षेत्र सरस्वती दवस्दति, दोस्तों सरस्वती और दवस्दति नदियों के मध्य स्थित है। किसके अंदर? सरस्वती और दवस्दति दो नदियां थी प्राचीन काल में, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, जिनका खुदाई का कार्य यमुनानगर के अंदर चल रहा है। एक और शोध संस्थान, सरस्वती शोध संस्थान भी दोस्तों वहां बनाया गया है। तो दोस्तों इन भूमि को जो यहाँ हमारी कुरुक्षेत्र की भूमि तो भूमि थी, उनको नाम क्या कह दिया गया है? एक तो उत्तर वेदी कहा जाता था प्राचीन काल में, ब्रह्म वेदी कहा जाता था, इसके अलावा धर्म क्षेत्र कहा जाता था, इसके अलावा दोस्तों बाद में सबसे लास्ट में इसका नाम कुरुक्षेत्र जो है रखा गया था। तो ये हो जाता है दोस्तों इसका थोड़ा सा दो लाइनों में अगर मैं कुरुक्षेत्र के इतिहास की बात करूं तो। दोस्तों कुरुक्षेत्र से महाभारत का संबंध बहुत गहरा माना जाता है, उसके हम स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। कुरुक्षेत्र का दोस्तों मुख्यालय कुरुक्षेत्र में ही है, जैसे महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में है। एक मात्र जिला जिसका मुख्यालय उस जिले में नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा बार रिपीट होता है। प्रमुख दोस्तों हम फसलें की बात करें तो गेहूं और चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अन्य फसलें दोस्तों गन्ना भी होता है मिक्स रूप से, आलू भी होता है, तिलहन भी होता है। ये मिक्स रूप से हम बात करें या संयुक्त रूप से बात करें तो ये यहाँ पे पैदा होता है। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो आगे दोस्तों आ जाते हैं हमारे उद्योग। उद्योग के अंदर दोस्तों हम बात करें हथकरघा उद्योग, ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा तो हथकरघे उद्योग में प्रसिद्ध हमारा पानीपत है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कुछ यूनिट्स जो है वो दोस्तों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी स्थित है। खाद्य उत्पाद का उद्योग भी दोस्तों यहाँ काफी प्रसिद्ध है। और चीनी, शाहबाद चीनी मिल जो काफी प्रसिद्ध है यहाँ की, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों कृषि उपकरण का भी उद्योग छोटा सा यूनिट यहाँ जो है लगाई गई है। और बाकी कोई विशेष चीज के लिए कुरुक्षेत्र उद्योगों की बात करें तो उसमें कोई प्रसिद्ध यहाँ नहीं है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे की तरफ। जनसंख्या दोस्तों वैसे कोई नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो अग्रणी राज्य रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कुरुक्षेत्र से दिया जाए, ठीक है। जनसंख्या
वृद्धि की बात करें तो 16.8% है और लिंगानुपात दोस्तों 889 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पर है, यहाँ का लिंगानुपात जो है नोट किया गया है। साक्षरता दर दोस्तों यहाँ की पूछी जा सकती है क्योंकि कुरुक्षेत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अभियान से काफी प्रसिद्ध रहा है और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की साक्षरता दर ऑल ओवर की बात करूँ तो 76.7% है और महिला साक्षरता दर ज्यादा पूछे जाने के आसान चीज है इसमें तो 79.2% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। दोस्तों टॉपिक वही पढ़े जो पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कुरुक्षेत्र के उपनाम की अगर बात करें तो सबसे पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, धर्मनगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, वैदिक सभ्यता का पालना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनटच क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वैदिक सभ्यता का पालना जो है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, लघु महासागर दोस्तों, ठीक है, लघु महासागर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है जो हमारा ब्रह्म सरोवर से जुड़ा हुआ है, लघु रूप या लघु महासागर जो है ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों हम बात करें तो 3300 फुट और चौड़ाई की बात करें तो 1500 फुट के लगभग है और गहराई की हम बात करें तो लगभग दोस्तों 45 फुट है हमारे लघु महासागर की। वैसे आगे इसकी डिटेल आएगी पूरी तो उसमें हम पूरी जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का सबसे बड़ा विशाल सरोवर है, ठीक है, कौन सा, ब्रह्म सरोवर, जिसको लघु महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ब्रह्म सरोवर है एशिया का सबसे बड़ा विशाल सरोवर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से जरूर कवर कर लें, आगे एक्सप्रेशन में आए ना आए या छूट जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ, गुरुद्वारे, प्रसिद्ध गुरुद्वारे की अगर बात करें हम कुरुक्षेत्र के अंदर तो छठी पातशाही गुरुद्वारा जो सबसे प्रसिद्ध है, उसके बाद दोस्तों नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है, उसके बाद दोस्तों हमारा राजघाट गुरुद्वारा, ठीक है। तो घाट, घाट दोस्तों पता ही है जो हमारे तीर्थ होते हैं उनको घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो छठी और नौवीं को, छठी और नौवीं जो आती है हमारी, छठ और नौवीं को हम घाट पे नहा के आएंगे, ऐसे हम ट्रिक बना के इसको जो है याद कर सकते हैं। तो छठी पातशाही गुरुद्वारा और नौवीं पातशाही गुरुद्वारा और राजघाट गुरुद्वारा तीनों के तुल्य गुरुद्वारे जो हमारे प्रसिद्ध हैं कुरुक्षेत्र के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है लखन माजरा से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो लखन माजरा गुरुद्वारा दोस्तों हमारा कहाँ है, रोहतक के अंदर है, वो काफी प्रसिद्ध है और वो एग्जाम में दिया भी जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ, जो कुरुक्षेत्र है अंबाला मंडल के अधीन में आता है, ठीक है दोस्तों, किसके अधीन में, अंबाला मंडल के अधीन में आता है। इसके अलावा दोस्तों दो तीन इसके तथ्य हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कुरुक्षेत्र की सीमा पटियाला जिले के साथ लगती है और इसके अलावा दोस्तों 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम से पूछा जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत प्रिंट हुई है, ठीक है, ये हमें नहीं करनी है और ना ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों धर्मक्षेत्र अखबार रोहतक से प्रकाशित होता था, ठीक है, और ये इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, जिसके आगे हम सन भी करेंगे, इसमें विस्तार से आएगा। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में ही है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले के दो जवान महावीर चक्र प्राप्त है, जो अगर थोड़ा सा ओल्ड करंट टाइप पूछे तो उसमें आ सकता है, तो मेजर दोस्तों आर एस दयाल और ले कर्नल हरवंश सिंह, हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और विस्तार से, अब मेन स्टोरी जो है कुरुक्षेत्र की अब स्टार्ट होती है, यानी कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल, और कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं, तो दोस्तों इसको हमें विस्तार से पढ़ना बहुत सख्त जरूरत है। बात कर लेते हैं ब्रह्म सरोवर की, इस तीर्थ के विषय में महाभारत तथा वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वामन पुराण में किस जो तीर्थ का अभिलेख मिलता है, ब्रह्म सरोवर का, ज्योति सरोवर का, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। किससे दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी से। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, तो सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र। किस तीर्थ पर लगता है, तो ब्रह्म सरोवर तीर्थ पर लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ से उठाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस अवसर पर लोगों ब्रह्म सरोवर में जो है स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने की जो धारणा है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह भी आयोजित होता है, तो ये भी दोस्तों वार्षिक गीता जयंती समारोह से रिलेटेड भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में उठते हैं, मेन दोस्तों दिसंबर से लिया जाता है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों ब्रह्म सरोवर से आगे, लेकिन दोस्तों ब्रह्म सरोवर
इसके अलावा भी जो है एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। यहाँ सोमवती अस्य को श्रद्धालु जो है पवित्र स्नान करते हैं, इसलिए प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं अबुल फजल ने कुरुक्षेत्र को जो है लघु महासागर कहा है। किसने कहा दोस्तों? लघु महासागर या लघु रूप महासागर किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसके बारे में? ब्रह्म सरोवर के बारे में। ठीक है दोस्तों, वो लाइन मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, तो हो सकता है क्वेश्चन वो भी पूछ लिया जाए। और इसे अगर खुदवाने की बात करें तो इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था दोस्तों? राजा कुरु ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कवर कर ले, कुरु राजा ने खुदवाया था ब्रह्म सरोवर। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा ब्रह्म सरोवर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, शक्तिपीठ या भद्रकाली मंदिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या नाम है इसका? शक्तिपीठ व भद्रकाली मंदिर। तो इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा डिटेल से देखें तो कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवीकूप, जो देवीकूप मंदिर भी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर ही स्थित है। मैं माता सती के दाहिने घुटने गिर गई। पौराणिक कथाओं में यह है कि महाभारत की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ उनकी पूजा के लिए प्रार्थना की और अपने रथों के घोड़ों को जो है दान दिया था, जिसमें इसमें चांदी मिट्टी से बने घोड़ों की पेशकश करने की पुरानी परंपरा जो है वो बना दी थी। तो ये दोस्तों परंपरा भी कहीं ना कहीं हमारी शक्तिपीठ जो भद्रकाली है इससे जुड़ा हुआ जो है, ये इतने क्वेश्चन बनते हैं जो हो सकता है एग्जाम में किसी भी जो है एचएससी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। आगे है दोस्तों हमारा श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बनते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 1986-87 में जो है बनवाया गया था। इसे बाद में मौजूदा इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन उस टाइम थे दोस्तों जो राष्ट्रपति थे, वेंकट रमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस टाइम जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, सॉरी श्री वेंकट रमन। ठीक है, तो उनसे उनका उद्घाटन श्री कृष्ण संग्रहालय द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी जो हमारे गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है, तो दोस्तों नौवीं पातशाही गुरुद्वारा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर के लगभग निकट यह गुरुद्वारा है और श्री तेग बहादुर जी महाराज को याद में यह स्थापित किया गया है। सूर्य ग्रहण के समय गुरु महाराज ने यहाँ के महात्माओं सन्यासियों से धर्म वार्ताएं की थी। गुरु यमराज ने उन्हें उस समय यहाँ पर लंगर चलाया, जिसे सर्वजातीय लोगों ने ग्रहण किया था। इसके अलावा दोस्तों छठी पातशाही गुरुद्वारा भी आया था, तो यह गुरुद्वारा जो है दोस्तों वो सनिह तीर्थ के पास है। कौन सा? छठी पातशाही। अगर नौवीं पातशाही की बात करें तो वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गुरुद्वारे कहाँ हैं, इनकी जो लोकेशन है वो भी दोस्तों थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों ज्योति सरोवर की तरफ, और ज्योति सरोवर दोस्तों पता ही है कुरुक्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। तो दोस्तों ज्योति सरोवर वह जगह है जहां गीता का जन्म स्थान पवित्र ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योति सरोवर से हुआ था। महाभारत का युद्ध किससे हुआ था? ज्योति सरोवर से हुआ था, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता के शासक भगवान कृष्ण से अनंत संदेश मिला। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ईसाई युग की नौवीं शताब्दी में हिमालय के रहने के लिए दौरान इस स्थान की पहचान की थी। किसमें दोस्तों? हिमालय के रहने के लिए जो है इस स्थान की पहचान की थी। और 1850 में कश्मीर के एडी किंग ने तीर्थ में एक शिव मंदिर का निर्माण भी किया था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हमारे ज्योति सरोवर से। ज्योति सरोवर दोस्तों बहुत प्रसिद्ध रहा है। महाराजा दरभंगा ने सन 1954 में अभ्यक्ष के चार और पक्के चबूतरे का निर्माण भी करवाया था। तो हो सकता है दोस्तों वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और इस स्थान पर दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो है उपदेश दिया था, वो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी पधारे और भगवद गीता दर्शन का मनन चिंतन किया था। लगभग दोस्तों 150 वर्ष पूर्व कश्मीर के महाराज को यहाँ एक शिव मंदिर भी बनवाया था, जो इसमें हम कवर कर चुके हैं 1850 में। इसके अलावा दोस्तों हमारे थोड़ी सी और डिटेल से हम बात करें तो एक कृष्ण अर्जुन रथ एवं शंकराचार्य के मंदिर का यहाँ निर्माण तो है ही, प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में यहाँ शुक्ल पक्ष की एकादशमी को मार्गदर्शी मास में प्रारंभ होकर 18 दिनों तक गीता जयंती का समारोह या उसका आयोजन भी किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा जुड़ा हुआ है ज्योति सरोवर से, और ज्योति सरोवर का संबंध दोस्तों महाभारत से भी बहुत माना जाता है। थोड़ी सी डिटेल हम इसमें करने की जरूरत जो है कोशिश करेंगे। महाभारत तथा पुराणों में वर्णित होने के कारण इस
स्थान की प्राचीनता शोध सिद्ध है। यह तीर्थ पवन देवता से संबंधित है था तथा पवन हद्य कहलाता था। पवन का क्या कहलाता था? हद्य कहलाता था। महाभारत में इसे दोस्तों मरुत से संबंधित बताया गया है। पद्म पुराण में इसका संबंधित जो है दधीचि था उसके लिए संबंधित जो है बताया गया है। तो दोस्तों हो सकता है हमारे महाभारत से जुड़े हुए भी क्वेश्चन जो है कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए और महाभारत से जुड़े हुए पूछे जाएं, लेकिन दोस्तों कुरुक्षेत्र से जितना भी संबंध महाभारत का है वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी और मिक्सिंग होने के बाद सब कुछ कंफ्यूज जो है जैसा क्रिएट हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। आगे दोस्तों है हमारा सनेहत सरोवर तीर्थ। ये भी दोस्तों पता ही है हमारा जो कुरुक्षेत्र का है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। तो इसके अंदर दोस्तों जो हमारा सनेहत सरोवर तीर्थ है यह कुरुक्षेत्र भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास जो है वो कौन सा तीर्थ माना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सनेहत सरोवर तीर्थ। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ की पूरी श्रृंखला एवं अमावस्या के दिन इकट्ठी होती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करता है और इस टैंक में स्नान करता है तो वह 1000 के अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त करता है। सूर्य ग्रहण के समय जो है तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते हैं और सिख गुरु भी समय समय पर जो है इस पवित्र स्थान पर गए थे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कहीं ना कहीं जो है हमारे सिख गुरुओं से रिलेटेड भी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों यह जो है अमावस्या और हमारे जो ग्रहण के समय पर जो सरोवर में स्नान करने का अश्वमेघ यज्ञ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए। तो दोस्तों रामायण काल में लंकेश्वर रावण ने भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा यहाँ की एवं भगवान विष्णु का निवास स्थान भी इसको माना जाता है। दोस्तों यह सरोवर 7 सरस्वतियों का संगम कहलाता है। तो हो सकता है दोस्तों 7 सरस्वतियों के संगम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये हो जाता है दोस्तों हमारा सनेहत सरोवर तीर्थ यानी कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। हम बात करें दोस्तों कुरुक्षेत्र के सारे पर्यटन स्थल की। पेनोरोमा एम एंड साइंस सेंटर, हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे अनटच रहा हो, लेकिन कुरुक्षेत्र में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। कुरुक्षेत्र पेनोरोमा एम साइंस सेंटर का एक सुंदर बेलनाकार इमारत है जिसका प्रयोग आगंतुकों की गतिविधियों के लिए, प्रदर्शनकारियों और कामकाजी मॉडल के लिए किया जाता है। कुरुक्षेत्र पेनोरोमा और विज्ञान केंद्र में जमीन के तल में बेलनाकार दीवारों के साथ पहली मंजिल में 2 अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा है पेनोरोमा एंड साइंस सेंटर। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे जो है पहले छूटा हुआ हो। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कल्पना चावला तारामंडल की। ये दोस्तों अक्सर हम ये ऑप्शन गलत कर देते हैं, इसमें करनाल कर देते हैं जो हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र पिहवा रोड पर ज्योति सरोवर तीर्थ के पास जो है कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटेनेरियम जो है वो स्थापित किया गया है। यानी 24 जुलाई 2007 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने तारामंडल राष्ट्र को समर्पित किया था। मतलब उस टाइम दोस्तों इसकी जो है एक टाइप से उद्घाटन जो है वो किया गया था। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। यहाँ श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर है जो वो भी काफी प्रसिद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के थानेसर में ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर में स्थापित भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। मंदिर में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई है। इसके बाद दोस्तों भक्तों के लिए घोषित कर दिया गया है। मंदिर के द्वार 6 बजे से शाम 9 बजे तक खुले रहेंगे। अब हरियाणा या उत्तर भारत के भगवान तिरुपति बालाजी के भक्त आंध्र प्रदेश में तिरुपति जाने के बजाय भगवान बालाजी के से आशीर्वाद मांगने के लिए कुरुक्षेत्र जा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस टाइप से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नरकातारी विषम कुंड या बाण गंगा जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाण गंगा। ठीक है, विषम कुंड बाण गंगा। कुरुक्षेत्र दर्शन स्थल में यह स्थान कुरुक्षेत्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर पिहवा रोड पर स्थित है। नरकातारी गांव, दोस्तों नरकातारी या बाण गंगा कहाँ स्थित है? नरकातारी गांव में समीप नरकातारी विषम कुंड है। इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर विषम पितामह अर्जुन के तीरों से घायल होकर बाण से यहाँ पर लेटे थे। उन्होंने अर्जुन से पीने के लिए जल मांगा था, तब अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारकर जल की उत्पत्ति की थी, तो जिसे पीकर पितामह तृप्त हुए थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा नरकातारी विषम कुंड या बाणगंगा जिसको बोला जाता है। तो बाण मारकर जो है गंगा निकाली थी, इसलिए दोस्तों इसको बाणगंगा के नाम से भी ये काफी प्रसिद्ध है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। शेख चिल्ली का मकबरा, दोस्तों आपको पता है ये कितना प्रसिद्ध है। यह मकबरा कुरुक्षेत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थानेश्वर के निकट है। तजकारते ओलिया के अनुसार हजरत शेख चिल्ली
जो कि सूफी संप्रदाय के ईरानी सत्ते। इस मकबे का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन जलालुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो हो सकता है दोस्तों हमारा शेख चिली का मकबरा जो काफी प्रसिद्ध रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन जलालुद्दीन। ये दोस्तों जरूर अंडरलाइन कर लें, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से उठे, क्योंकि दोस्तों निर्माण ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ मंदिर ऐसे बनाए गए हैं जिनके निर्माण से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट हो दोस्तों हमारा पेहोवा, और पेहोवा दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र का जो है काफी प्रसिद्ध स्थल जो है में से आता है। तो इसके अंदर दोस्तों हम बात करें, यह एक पितृ तीर्थ है। यहाँ पिंडदान का महत्व तो हरिद्वार, काशी तथा गया जैसे तीर्थ के समान माना जाता है। यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जिनमें से अधिकांश का निर्माण राजा भोजदेव, ये राजा भोजदेव जरूर कवर करें दोस्तों, सन 1882 के आसपास करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो स्थल है जिसको हमारे जो हरिद्वार है, काशी है, उनके समान ही इसको जो है वरीयता दी गई है। यहाँ दोस्तों बहुत प्राचीन मंदिर भी है और इसका निर्माण राजा भोजदेव ने 82 के अंदर करवाया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राचीन स्थानेश्वर महादेव मंदिर की। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। इसकी दोस्तों हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के इस प्राचीनतम मंदिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर ही इस नगर को थानेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर के नाम से ही दोस्तों इसका नाम लिया जाता है, थानेश्वर का नाम जो रखा गया है। थानेश्वर या स्थानेश्वर को यहाँ ग्राम देवता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम देवता भी कहा जाता है। अभिलेखों की माने तो इस स्थान पर इसे स्थानु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? स्थानु भी। उनके अनुसार ब्रह्म जी ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है हमारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक कमला तीर्थ भी है। बाणगंगा दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं, कालेश्वर तीर्थ भी बहुत प्रसिद्ध है, पुंडरीक सरोवर तीर्थ भी है दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर, जो हम धीरे धीरे जो है वो कवर कर रहे हैं। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हर्ष का टीला, और हर्ष का टीला दोस्तों आपको पता है कितना प्रसिद्ध है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। हर्ष के टीले की अगर दोस्तों विस्तार से जाने तो हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र का प्राचीनतम जीवित खंडर है। तो ये जीवित खंडर से भी हो सकता है क्वेश्चन उठा लिया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित सूचना पट्टिका के अनुसार यह स्थान 7वीं सदी के आरंभ में पुष्यभूति कुल के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ये दोस्तों हर्षवर्धन की एक नई राजधानी के रूप में भी क्वेश्चन उठ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कवि बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन तथा उसकी राजधानी का बखान किया है। उनकी रचना के अनुसार यहाँ एक दुर्ग एवं श्रेत दो मंजिला महल था जिसका वर्तमान में कोई अस्तित्व शेष नहीं है, केवल हर्ष का टीला अब विद्यमान है। यानी हर्ष का टीला विद्यमान है लेकिन यहाँ दो मंजिला जो महल था वो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर नहीं है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा थानेश्वर स्थल। तो थानेश्वर स्थल के बारे में, इस थानेश्वर स्थल के बारे में अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो थानेश्वर एक पुराना शहर है जो कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती गग्गर नदी के तट पर स्थित था। यह शहर दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर पर हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। एक वीडियो में दोस्तों मैंने हर्षवर्धन की माता का नाम बताया था, वो आप हमें कॉमेंट में अब जरूर बताओगे। आप ही बोलते हो, क्वेश्चन नहीं पूछते, तो हर्षवर्धन की माता का नाम आप जरूर बताओगे। अगर हर्षवर्धन की माता का नाम आप बताते हो तो मतलब आप हमारी वीडियो बहुत अच्छे और ध्यान से देखते हो और नोट भी करते हो। इसके अलावा दोस्तों वह वर्धन वंश के पहले शासक थे, उनकी राजधानी थानेश्वर थी जो वर्तमान में थानेश्वर में स्थित है, यानी थानेश्वर जिसका नाम है। थानेश्वर एक गांव के रूप में 1950 तक माना जाता था। कुरुक्षेत्र जिले के भीमावाड़ी नेता की सॉरी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो रानी, ये क्वेश्चन दोस्तों इससे अलग है हमारा इससे, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले के भीम अवार्ड सम्मानित जिले हैं रानी, रामपाल, पुनीत, राणा, पंकज। ये दोस्तों क्वेश्चन इसमें से वैसे नहीं पूछा जाता क्योंकि अभी क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो करंट अफेयर के खिलाड़ियों से उठाए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के मेले की, और कुरुक्षेत्र के मेले दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं और ज्यादा बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले ही दोस्तों मेले की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण स्नान उत्सव या इसको मेला कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं दोस्तों और स्नान पर धर्मानुष्ठान आयोजित करते हैं। यह मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों के लोग जो है यहाँ पर आते हैं। आगे की बात करें दोस्तों पेहोवा का मेला, और पेहोवा का मेला दोस्तों आपको पता है ये पेहोवा नामक स्थान पर मार्च महीने में लगता है, ठीक है दोस्तों, मार्च महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुरुक्षेत्र में पेहोवा नामक स्थान पर जो है सोमवती अमावस्या का भी उत्सव जो है यहाँ आयोजित होता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों देवी के मेले की। अगर देवी के मेले की बात करें तो दोस्तों शाहबाद नामक जो स्थान है
वहां पर अप्रैल माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है और देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मारकंडा का मेला। तो मारकंडा की नदी से रिलेटेड भी और मारकंडा मेले की से रिलेटेड भी और मारकंडा तीर्थ स्थल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मारकंडा स्थल की अगर बात करें, मेले की बात करें, तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर यह मेला लगता है। इस स्थान को मारकंडा ऋषि का प्राचीन आश्रम भी माना जाता है। तो व्यास ऋषि आश्रम की बात करें तो वो हमारा मारकंडा व्यास ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। आगे दोस्तों है बैसाखी का मेला। और बैसाखी का मेला दोस्तों कुरुक्षेत्र का भी काफी प्रसिद्ध है। यह मेला प्रतिवर्ष 13 अप्रैल दोस्तों जरूर नोट कर लें, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 13 अप्रैल को जो है बड़े उत्साह के साथ श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे की तरफ, अन्य बिंदु जो हमारे कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी दोस्तों गीता भवन की अगर हम बात करें दोस्तों गीता भवन की, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी गीता भवन से जुड़ा हुआ जो कुरुक्षेत्र से पूछ लिया जाता है। और इसकी अगर स्थापना की दोस्तों हम बात करें तो 1921 दोस्तों, ठीक है, 1921 के अंदर इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश का कोई राजा था रीवा नाम से, उसने इसकी जो है स्थापना की थी। आगे दोस्तों हमारा है श्री शनि धाम, और श्री शनि धाम भी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे है दोस्तों हमारा कालेश्वर तीर्थ, और कालेश्वर तीर्थ के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं या उसके अंदर नहीं आया तो यह सनान जिला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार रामायण काल में लंकेश्वर महाराज रावण ने भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा यहाँ पर की थी। पूर्णोक्त 11 रुद्रों में से एक यह रुद्र है और यहाँ पापनाशक लिंग के पूजन की प्राचीन काल से ही महिमा बताई गई है। इस स्थान पर दोस्तों भगवान शंकर का एक प्राचीन मंदिर और यहाँ एक पक्का घाट है जहाँ कड़ाकाल रूपी महात्मा रुद्र ने सर्वनाश पाकी जो हमारा महालिंग की स्थापना है उसकी की थी। इस स्थान पर दोस्तों स्नान तथा भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जो अग्नि यज्ञ जो है वो यहाँ पर किया जाता है और अपने इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों हमारा कालेश्वर से जुड़े हुआ जो विस्तार से बनता है। बिरला मंदिर जो है दोस्तों वो भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है और हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी कि सारे बिरले देवता जो है हमारे भगवान जो है वो कहाँ रहते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हैं, ऐसे हमने ट्रिक भी बनाई थी। देवी कूप मंदिर दोस्तों हमारा कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, कूप से हमने कुरुक्षेत्र निकाला था। इसके बाद दोस्तों हम बात कर सकते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय की, तो श्री कृष्ण संग्रहालय भी दोस्तों हमारा कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। आगे दोस्तों है हमारा शेख चिल्ली का मकबरा, और शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाना था। बाबा काली कमली का डेरा भी दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ जो हाँ यहाँ पे एक मेला भी लगता है और ये एक डेरा भी है जहाँ जो है काफी भारी भीड़ जो है देखने को मिलती है। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित यह स्नान सनियत तीर्थ के निकट है। श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित यह क्षेत्र कमली वाले के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की प्रतिमाएं जो है वो अवस्थित है। स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा जो है ये स्थापित किया गया है। आगे दोस्तों है हमारा प्राची तीर्थ, और प्राची तीर्थ दोस्तों ये भी हमारा कुरुक्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि देवर जो विषम पिता माँ की माता गंगा के जो पाप इस स्थान पर स्नान करने से क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। इस स्नान पर भद्रकाली मंदिर से उत्तर की ओर कुबेर तीर्थ के पास स्थित है और यहाँ से रिलेटेड भी दोस्तों हो सकता है हमारा जो विषम पिता माँ की माता थी गंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे दोस्तों है हमारा देवी कू मंदिर, और देवी कू यहाँ फिर कू आ रहा है तो कू से हमारा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, तो इसको हम याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा हमारा कमलनाथ तीर्थ, यह जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था, कमलनाथ तीर्थ के बारे में बताया था, तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के उत्पन्नकर्ता ब्रह्म जी इस स्थान पर प्रकट हुए थे। किस स्थान पर, कमलनाथ तीर्थ पर। इस स्थान पर ब्रह्म जी और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य की इच्छा अनुसार जो फल की प्राप्ति होती है। कुछ वर्षों पहले ही इस तीर्थ के तालाब का जीर्णोद्धार जो है दोबारा से किया गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों गोड़िया मठ की, और गोड़िया मठ की अगर दोस्तों हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के उत्तरी तट पर बना है। यह मठ चैतन्य महाप्रभु के समय का है। किसके दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, जरूर लाइन नोट करें। और यहाँ पर बंगाली साधु रहते थे, कौन से दोस्तों, बंगाली साधु, ये भी जरूर नोट करें। बंगाली साधु जो है कुरुक्षेत्र में कहाँ रहते थे, गोड़िया मठ में। हरे कृष्णा नाम का कीर्तन करते थे, कौन से, बंगाली साधु। और यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है, गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर बात करें तो गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जो हमारे गोड़िया मठ के है
उनको माना जाता है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक तीर्थ दोस्तों, इसकी हम बात करें तो नरकतारी तीर्थ कुरुक्षेत्र के प्राचीन सदी तीर्थों में से एक है। महाभारत एवं पुराणों में इस तीर्थ का बहुत महत्व बताया गया है। पौराणिक काल में 8वीं सदी में यह तीर्थ अधिक प्रसिद्ध था। इस तीर्थ के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में माहेश्वर और पश्चिम में रुद्रपत्नी तथा उत्तर में पद्मनाथ जो विष्णु के नाम से जाने जाते हैं, वो सारे के सारे मठ यहाँ स्थित है। और ये दोस्तों तीनों लोकों में दुर्लभ और अनरक अनरक दोस्तों इसको बोला जाता है, अनरक तीर्थ है। आगे दोस्तों है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और लक्ष्मी लक्ष्मी हम करते रहते हैं जो हमारे देवता है, और देवता दोस्तों हमारे कहाँ है, सारे कुरुक्षेत्र के अंदर। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला दोस्तों यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। आकाशवाणी केंद्र जिसकी स्थापना 24 जून 1991 को की गई थी। इसके अलावा दोस्तों रोहतक की स्थापना जो की गई थी वो जो है मई 1976 के अंदर, 8 मई 1976 के अंदर की गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा बच जाता है हिसार, और हिसार की दोस्तों आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी वो आप हमें कमेंट में जरूर बताओगे। आगे दोस्तों हमारा पीपली चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर भी दोस्तों काफी प्रसिद्ध है। नीले पीले रंग की काफी यहाँ मस्जिद जो है वो भी स्थित है। वाल्मीकि आश्रम दोस्तों, मार्कंडेय वाल्मीकि आश्रम जो हमने पढ़ा था, सॉरी ये वो नहीं है, ये सिर्फ वाल्मीकि आश्रम है। आगे दोस्तों है नील क्रांति किसाना डैम। नील क्रांति किसाना डैम ये हमारा कहाँ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित हो जाएगा। नीलकंठ धाम दोस्तों हमारा कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कुबेर तीर्थ काफी प्रसिद्ध है, हमारा कुबेर तीर्थ। हो सकता है कुबेर तीर्थ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक बक प्रजनन केंद्र व्यास ऋषि आश्रम, ये दोस्तों हमारा है मार्कंडेय व्यास ऋषि आश्रम, और ये है हमारा ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। इसके दोस्तों अलावा आपका तीर्थ यहाँ पर स्थित है धर्म समाचार पत्र जो है वो भी यहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना जिसकी जो है निकाला गया था 1943 के अंदर निकाला गया है। प्रसिद्ध भगवानपुर स्थल जो है वो भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों महिला हॉकी अकेडमी यहाँ पर स्थित है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो हमारा NIT कुरुक्षेत्र में ही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक आलू शक्करकंद की जो है पैदावार सबसे ज्यादा ली जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ से जुड़े हुए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वीडियो हो सकता है दोस्तों लंबी हो जाए, लेकिन कुरुक्षेत्र में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो गारंटी है आप गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र मंडल आता है अम्बाला के अधीन। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से नगरों से घिरा हुआ है, तो अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल, इन सभी नगरों से कुरुक्षेत्र जो है वो घिरा हुआ है। आगे दोस्तों थानेश्वर कहाँ स्थित है, जिसका जो है नाम थानेसर से ही जो है बाद में चेंज हुआ है, तो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ी गई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो है किस स्थान पर दिया गया था, तो ये ज्योति सरोवर स्थान पर दिया गया था। कुरुक्षेत्र का नाम किस नाम पर रखा गया, तो पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। आगे दोस्तों है हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित तालाब का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में स्थित तालाब का निर्माण करवाया था। कुरुक्षेत्र पर आर्य राजाओं का अधिकार कब तक रहा, तो 1500 तक जो है कुरुक्षेत्र में आर्य राजाओं का जो अधिकार जो है वो रहा था। आगे दोस्तों है कुरुक्षेत्र को महाभारत में किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो धर्मक्षेत्र नाम से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा थानेश्वर की नगर की राजधानी दोस्तों सभी को पता है, जो हमारे राजा हर्षवर्धन द्वारा स्थापित की गई थी। आगे दोस्तों है हर्ष ने थानेश्वर की अपनी राजधानी कब बनाया, तो 606 ईस्वी में बनाया था। परशुराम ने क्षत्रियों की हत्या कर उनके खून से कितने कुंड बनाए थे, तो दोस्तों उनके खून से 5 कुंड जो है उन्होंने बनाए थे क्रूरता के साथ। अगला है दोस्तों हमारा परशुराम ने क्षत्रियों को हत्या क्यों दी थी, तो दोस्तों अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध के लिए जो है परशुराम ने क्षत्रियों को हत्या दी थी। राजा कुरु किसके पुत्र थे, तो दोस्तों राजा कुरु जो थे वो सवर्ण के पुत्र थे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र की भूमि को किस से जोता था, तो सोने के हल से दोस्तों उन्होंने इस भूमि को जोता था। आगे दोस्तों कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में किस का केंद्र था, तो वैदिक संस्कृति का कुरुक्षेत्र जो है ब्राह्मण काल में केंद्र था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा धर्मक्षेत्र अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। धर्मक्षेत्र जो अखबार है जो हमने अभी किया है धर्म समाचार पत्र, वो हमारा है कुरुक्षेत्र से, ठीक है 1943 के अंदर अभी हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को कवर किया है। आगे दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर नदी की बात करें तो कुछ अवशेष सरस्वती के कुरुक्षेत्र के अंदर भी पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों सूर्य ग्रहण के अवसर पर कहाँ मेला लगता है, तो ब्रह्म सरोवर पर लगता है। इसकी दोस्तों साक्षरता दर जो है हम कर चुके हैं। आगे दोस्तों हमारे इतनी जो जानकारियां थी वो
कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ जानकारियां और भी छोटी मोटी जो है वो छूट गई, जैसे कमोदा नामक एक स्थल है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिया जाए। वाल्मीकि आश्रम दोस्तों, इसके अलावा पुंडरीक सरोवर यहाँ एक स्थित है जी, ठीक है, जो लगभग बाउंड्री पर स्थित है। वैसे दोस्तों वहां का पुंडरीक सरोवर की अगर बात करें तो वो हमारा मेन रूप से कैथल के अंदर स्थित है, लेकिन बहुत सारी पुरानी जो बुक्स मिलेगी आपको वहां कुरुक्षेत्र का वर्णन भी पुंडरीक तीर्थ से जुड़ा हुआ दे दिया जाएगा। लेकिन राइट ऑप्शन अगर हम करेंगे तो उसका दोस्तों अभी कैथल रहेगा, तो वो क्वेश्चन भी दोस्तों एक टाइप से चेंज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रकूप, यह स्थान जो है कुरुक्षेत्र तीर्थ के निकट है। यहाँ पर एक कुआं है जो कुरुक्षेत्र के पूर्वोत्तर में कूपों में गिना जाता है। किसमें? कूपों में। तो दोस्तों जो धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद ये बनवाया था और काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी है दोस्तों हमारी कुरुक्षेत्र जी, जो बहुत सारी बुक्स के अंदर से हमने डाटा निकाला है। वीडियो को दोस्तों एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और बहुत जल्दी दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अम्बाड़ा की पीडीएफ जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारियां लेने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।